टीवी के पॉपुलर एक्टर ने खुलासा किया है कि करियर के शुरुआती दिनों में वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि जिस कास्टिंग डायरेक्टर ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से सक्सेसफुल फेवर्स मांगे, उसी शख्स ने उनके सामने भी यही शर्त रखी थी। आपको बता दें कि एक्टर कोई और नहीं बल्कि करण टेकर हैं। उन्होंने कहा कि एक नामी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे काम ऑफर करते हुए कहा था कि क्या मैं हार्ड काम करूंगा या स्मार्ट। उन्होंने बताया कि जब वो रणवीर सिंह का इंटरव्यू देख रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस एजेंट ने उनके सामने काम के बदले कॉम्प्रोमाइज़ करने की शर्त रखी थी उसी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने पद्मावत एक्टर को भी अप्रोच किया था। दरअसल साल 2015 में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने खुलासा किया कि एक नामी ग्रामी कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें अपने मुंबई वाले घर बुलाकर कहा था, अगर इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो तुम्हें स्मार्ट होना होगा, तुम्हें अट्रैक्टिव होना होगा। जो स्मार्ट है, जो अट्रैक्टिव है, वो आगे निकल जाता है। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने बताया कि उस डायरेक्टर की बातें उन्हें काफ़ी दिनों बाद समझ में आई। उन्होंने कहा कि जब मैंने इनकार कर दिया तो उस डायरेक्टर की शक्ल दिल टूटे आशिक जैसी हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता था। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि करण टेकर ने कहा कि आज भी उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। मैं हमेशा लोगों को एडवाइस देता हूँ कि वो सही काम करें। ये वक्त आपको इंडस्ट्री को बेस्ट तरीके से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज रूम रिपोर्ट।